हेलो एवरीवन, वैशु की रसोई में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे दाल भरी, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो दाल भरी बनाने के लिए मैंने ये चने की दाल को रात भर के लिए भिगा दिया था। उसके बाद मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। उसके बाद फिर हम इसको चलते हैं छौंकने के लिए। गैस पे एक कढ़ाई रखेंगे, इसमें तेल डाल देंगे। उसके बाद फिर तेल गरम हो गया, अब हम इसमें जीरा डाल देंगे। उसके बाद फिर इसमें कटी हुई हरी मिर्च, अदरक और लहसुन डाल देंगे, लहसुन की कलियाँ। इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा हींग डाल देंगे और उसके बाद ये चने डाल देंगे भीगे हुए। सारे चनों को मैंने डाल दिया है, मिक्स कर देंगे चने को। उसके बाद हम इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और बहुत थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे। उसके बाद मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे चने में। दो से तीन मिनट मसालों को अच्छे से भून देंगे चने के साथ। उसके बाद इसमें नमक डाल देंगे, नमक आप टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। तीन चार मिनट के लिए मैंने भून लिया है। उसके बाद हम इसमें पानी डाल देंगे। दाल को बॉयल होने के लिए पानी डाल देंगे। देखिए मैंने पानी डाल दिया है, इतना ही पानी डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए धीमी आंच पे पकने देंगे। देखिए 10 मिनट हो चुका है। अब हम दाल को चेक करते हैं कि दाल हमारी हुई है या नहीं। देखिए दाल हमारी हो चुकी है, दबाने से देखिए अच्छे से फूट जा रही है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे, इसमें धनिया की पत्ती डाल देंगे। धनिया की पत्ती मिक्स कर देंगे अच्छे से। उसके बाद ठंडा होने के लिए निकाल देंगे किसी और बर्तन में। ये देखिए मैंने एक थाली में इसको निकाल दिया ठंडा होने के लिए। ये ठंडा हो जाएगा दाल, रख देंगे इसको ठंडा होने के लिए। उसके बाद फिर इसको मिक्सी में डाल के पीस लेंगे और इधर आटा लगा लेते हैं। आटे में अजवाइन डाल देंगे, मैंने गेहूं का आटा लिया है, इसमें अजवाइन डाल देंगे। अजवाइन को क्रश करके डालेंगे और इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे। और थोड़ा सा तेल डाल देंगे। उसके बाद फिर आटा लगा लिया है मैंने। आटे को मुलायम ही रखेंगे, बहुत सख्त नहीं गूंथेंगे। मैंने सॉफ्ट सा आटा लगा लिया है। उसके बाद ये मैंने चने की दाल को भी पीस लिया है मिक्सर में। उसके बाद अब हम बनाएंगे दाल भरी। आटे की लोइयां तोड़ लेंगे। इसी तरह से हम इसको रोल रोल करके कटोरी जैसा शेप बना लेंगे। उसके बाद इसमें मिश्रण भर देंगे। उसके बाद प्रेस करते हुए इसी तरह कटोरी के जैसा शेप बना के और ऐसे मिश्रण को अच्छे से भर के
और जो एक्स्ट्रा आटा बचेगा उसको ऊपर से निकाल देंगे। और इसको हल्के हाथ से प्रेस करना है, बहुत तेज़ नहीं करना है। और अब हम बेलन के साथ ऐसे इसे बेल लेंगे। बेलन को भी बहुत तेज़ नहीं चलाना है, हल्के हल्के हाथ से ही बेलेंगे। इसी तरह से बेलकर तैयार कर लेंगे। उसके बाद ये मैंने गैस पे तेल गरम होने के लिए रख दिया था। तेल हमारा अच्छे से गरम हो गया है। अब हम इसमें दाल भरी डाल देंगे और फ्लेम को मीडियम कर देंगे। बहुत हाई फ्लेम पे नहीं पकाएंगे, नहीं तो ऊपर से जल जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। देखिए बहुत ही अच्छी दाल भरी हमारी बनी है, कितनी अच्छी फूली फूली दाल भरी बन के तैयार हुई है। ये दाल भरी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। इसी तरह से मैं दूसरा भी फ्राई कर ले रही हूँ। बहुत हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है, तो देखिए मैंने दूसरी बार भी दाल भरी फ्राई कर ली। इसी तरह से मैंने सारी दाल भरी बना ली है। और ये मैंने आलू की सब्ज़ी और आम के अचार के साथ सर्व किया है इसको। आप जैसे मन करे ऐसे खा सकते हैं, आप चटनी के साथ भी इसको खा सकते हैं। खाने में किसी भी चीज़ के साथ खाइए, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप लोग ज़रूर इस तरह से दाल भरी बनाइएगा और मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।